तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महासागरी नित्तल के बारे में। महासागरी नित्तल क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि समस्त भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग जल से आच्छादित है। इसका मतलब जल से जो जल है उसे घिरा हुआ है, तो 71% हमारा क्या है जल से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध की जलमंडल का विस्तार का कितना परसेंट है, तो 60.7% है। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध के जलमंडल का विस्तार का परसेंट कितना है, तो 80.9% है। उसके बाद महाद्वीपों के महासागरों की ओर जाने वहाँ पर महासागरी नित्तलों का कौन सा क्रम सही है, तो महाद्वीपी मग्न तत्व है, उसके बाद महाद्वीपी मग्न ढाल है, जो गहरी सागर मैदान है, फिर महासागर गर्त है। इसका मतलब सबसे ऊपर वाला महाद्वीपी मग्न तट है, उसके बाद महाद्वीपी मग्न ढाल है, और गहरे समुद्री मैदान है, फिर उसके बाद महासागर गर्त जिसके बहुत गहरे होते हैं उसे गर्त कहते हैं, जिसे प्रशांत महासागर का बहुत गहरा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे गर्त हैं, उसी तरह गहरे कुएँ जैसे होते हैं उसमें। उसके बाद सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग कौन सा भाग क्या कहलाता है, महाद्वीपी मग्न ढाल, जो सागर की ओर बहुत ज़्यादा ढाल होता है उसे महाद्वीपी मग्न ढाल कहते हैं। फिर उसके बाद महाद्वीपी मग्न तट और गहरे सागरी मैदान के मध्य स्थित होता है क्या, महाद्वीपी मग्न ढाल, जो महाद्वीपी मग्न तट है और महासागरी मैदान के बीच में क्या होता है, ढाल होता है जहाँ से पानी वानी बह के जाता है। उसके बाद संपूर्ण महासागरी क्षेत्र के कितने परसेंट भाग जो महाद्वीपी मग्न तट का विस्तार करते हैं, तो 7.5%। याद रखिएगा 71% जल है और 7.5 क्या है, महाद्वीपी मग्न तट है। उसके बाद महाद्वीपी मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो अंटार्कटिक महासागर में पाया जाता है, महाद्वीपी मग्न तट का अंटार्कटिक महासागर। अधिकांश मछलियां अन्य जीवों का आहार मुक्त प्राप्त किए होता है महाद्वीपी मग्न तट से, अधिकांश मछलियां और समुद्री आहार मुक्त प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपी मग्न तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी मग्न तट किस महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में। सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी मग्न तट आर्कटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीपी से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। 600 फीट से गहरा नहीं होता है और महाद्वीप वह भूमि का डूबा हुआ भाग होता है महाद्वीपी से जुड़ा होता है, उसे महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। किनारे तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वो महाद्वीपी मग्न तट होते हैं। सकारा, तो तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, मान लीजिए पहाड़ या नदी है, समुद्र है, तो महाद्वीपी मग्न तट होते हैं, सकरा कहते हैं उसे। विश्व में कुल खनिज तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितना परसेंट भाग महाद्वीपी मग्न तट से प्राप्त होता है, तो 20% भाग कहाँ से प्राप्त होता है, महाद्वीपी मग्न तट से प्राप्त होता है। उसके बाद समुद्री महाद्वीप क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपी मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है, तो 6.5% पर महाद्वीपी मग्न ढाल विस्तार पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पर गंभीर सागरी मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो 76% भाग पर महासमुद्री मैदान विस्तार पाया जाता है। गंभीर सागरी मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। महासागरीय गर्त को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। संसार में समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्त का पता चला है, तो 57 गर्त का पता चला है। उसके बाद महासागरीय गर्त की समानता गहराई कितनी मीटर होती है, तो 5500 मीटर होती है। विश्व का सबसे गहरा महाद्वीप गर्त कौन है, मेरियाना है प्रशांत महासागर में। उसके बाद महासागर के सबसे अधिक गहरे प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त का जो कितना है, समुद्र तल से 11033 मीटर नीचे, 11033 मीटर क्या है नीचे है। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित कहाँ है, गुआन दीपमाला के निकट। कहाँ है गहरा चैलेंजर गर्त, कहाँ है, गुआना दीपमाल के निकट। ये सब याद रखिएगा, एकदम आता है पेपर में, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, तो गुयात नाम से, जो सपाट हो सपा ऊपर सपाट होगा। समुद्री पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, गुयात नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक महासागर में स्थित
अंटार्कटिक कटक की लंबाई लगभग कितनी है? 14,000 किलोमीटर है। 14,000 किलोमीटर है। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 1,000 मीटर होती है। कितनी होती है? समुद्री पहाड़ियों से नितल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1,000। समुद्री पहाड़ी है नितल से नीचे से 1,000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 10,000 है। विश्व में जलमग्न कैरियन की संख्या कितनी है? 102 है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जलमग्न जो जलमग्न है कैरियन अधिक संख्या में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। इसकी सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंडागर्त स्थित है कहाँ स्थित है? तो सुमात्रा के दक्षिण के सुंडागर्त कहाँ है? सुमात्रा के दक्षिण में। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अधिकांश मछलियाँ और अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट के। तो ये सब हमारे क्वेश्चन है महाद्वीपीय नितल, तो ये सब याद कर लीजिए क्योंकि सब पूछे जाते हैं और यही सब पूछे जाते हैं कठिन कठिन सवाल पीसीएस जे में आईएएस पीसीएस में, तो इसको तुरंत याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के जियोग्राफी में, और पढ़ते रहिए और कंपटीशन को निकालते रहिए, बीट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। यह तारीख अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।